नानक गुरु ब्रह्म पहचान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम समृद्धि बाजवा है, मैं 13 साल की हाँ और मैं गुरुकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट विच पढ़ती हाँ। आज मैं तुम्हारे गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनाने जा रही हाँ। एक वे गुरु नानक देव जी मक्के की तैयारी कर हरे रंग के कपड़े पा लए और भाई मर्दाना जी नाल तुर पाए। उन्होंने नाल राह विच कुछ मुसलमान जो गुरु जी के श्रद्धालु बने वह भी नाल ही तुर पाए। वह अपने साथियों समेत जा रहे सन और रस्ते विच जदों थक गए तो शाम को पहुँच के एक मस्जिद के बाहर लेट गए। सुतियां पईयां रात को गुरु नानक देव जी के पैर काबे वल हो गए। सवेर में जब हाजी सुतिया हुआ जगान नहीं आया तो गुरु नानक देव जी के पैर काबे वल देख के उसनु बहुत गुस्सा आया। वो बाहर एक काजी को बुला के ले आया। काजी ने गुरु नानक देव जी जोर न लथ मार के कहा, तुसी काबे वल पैर रखे लंबे पैर की हिम्मत किस तरह की है। गुरु नानक देव जी छिड़की उठ के बैठ गए और बड़ी शांत आवाज में कहा, जिथे रब नहीं है उत्थे मेरे पैर कर दियो। काजी बड़ा ही पढ़िया लिखिया सियाना आदमी सी, वो चक ही समझ गया कि रब हर पास हर एक थां हर एक विच बस रहा है। काजी गुरु नानक देव जी का यह उत्तर सुन के बहुत शर्मिंदा होया और चुप हो गया। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाने को रबा बजाने कहा। उन्होंने बड़े ही प्यार मिठी आवाज में गुरबाणी शब्द गाए